गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन होम क्लास। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने एंगल का मेजर पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल है वो डिग्रीज में मेजर होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल है वो रेडियंस में मेजर होता है। तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेगुलर सर्कुलर फंक्शन जिनको हम कहते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, इसी को कल हमने डिफाइन किया था। चलिए, और मैंने आपको इनकी फोर कॉर्नर्स में इनकी इनके साइंस बताए थे, साथ में इनकी वैल्यूज बताई थी। चलिए आज इसको रिवाइज करते हैं और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो डेफिनेशन क्या थे इनकी? ट्रिग्नोमेट्रिक, जिस तरह आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसी तरह आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड एज, नंबर 1, तो आपको पता है हर एक फंक्शन की एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। सबसे पहले साइन फंक्शन, इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स आर और इसकी रेंज है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज। इसी तरह कॉस फंक्शन जो है, इसकी डोमेन है आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी रेंज है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक सभी वैल्यूज। और तीसरी फंक्शन आपकी टैन फंक्शन, इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पूरा नहीं है, इसमें से इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 जो है वो माइनस करके जो बाकी रियल नंबर्स बचते हैं, जो एन है वो इंटीजर्स है। सो इवन मल्टीपल्स ऑफ एन जो है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 जो है वो इसमें से माइनस करके जो बाकी रियल नंबर्स बचते हैं वो इसकी डोमेन है और सेट ऑफ रियल नंबर्स पूरा इसकी रेंज है। इसी तरह क्वाड में जो डोमेन है वो पूरे रियल नंबर्स नहीं है, उनमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, निकाल के जो बाकी रियल नंबर्स बचते हैं वो इसकी डोमेन है क्वाड की, क्वाड फंक्शन की, और इसकी रेंज भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इसी तरह सीक्वेंट फंक्शन है, इसकी डोमेन पूरी नहीं है, इसकी डोमेन में से भी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 निकालने के बाद जो रियल नंबर्स बचते हैं वो इसकी डोमेन है और रेंज में सिर्फ सेट एक इंटरवल -1 से लेकर 1 तक जितनी वैल्यूज हैं उनको छोड़ के बाकी सारा का सारी रियल नंबर्स जो है वो इसकी रेंज है। इसी तरह हमारी सिक्स्थ और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसेक फंक्शन, इसके भी जो डोमेन है वो पूरे रियल नंबर्स नहीं है, उनमें भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं, निकालने के बाद जो रियल नंबर्स बचते हैं वो इसकी डोमेन है और रेंज में भी पूरे रियल नंबर्स नहीं है, इसमें भी -1 से लेकर 1 तक जो सेट ऑफ इंटरवल्स है वो निकालने के बाद जो बाकी रियल नंबर्स बचते हैं वही इसकी रेंज है। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इनकी डोमेन और रेंज को याद करके खुद लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब मैंने आपको बताया था साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बताया था, ये आपकी एक्स एक्सिस है ये, और ये परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ये इसका वाई एक्सिस है। आपको पता है इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारी की सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस के पॉजिटिव होती हैं। यह है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसको याद करने का तरीका। तो ऐड मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी जितनी भी फंक्शंस हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर का मतलब हुआ साइन एंड कोसेक, ये 2 पॉजिटिव हैं, बाकी की 4 नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आएगा तो इसमें टू कॉफ़ी, टैन और कॉट, टी से टैन और कॉट, ये 2 पॉजिटिव हैं, बाकी की 4 नेगेटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, चौथा क्वाड्रेंट, इसमें कॉफ़ी से बनता है कॉस सी, कॉस और इसका अपोजिट सेक, ये 2 पॉजिटिव हैं, बाकी की 4 नेगेटिव हैं। और इनको याद रखने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड से बनता है ऑल, एस शुगर से बनता है साइन एंड कोसेक, टू से बनता है टैन एंड कॉट, और काफ़ी सी से बनता है कॉस एंड सेक। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ तक होता है 90 डिग्री, आगे आ जाओ तो ये बन गया 180 डिग्री, जब दो ये वाला 90 और ये वाला 90 जोड़ दो, और 90 जोड़ोगे तो 270 डिग्री, और 90 जोड़ोगे तो पूरा सर्कल हो गया 360 डिग्री। 90 यहाँ पर पहुँच गए 180, यहाँ पर पहुँच गए 270, और यहाँ पर पहुँच गए 360। तो ये
एंगल्स बनते हैं। अब आपने याद रखना है इन 90 डिग्री जिसको हम पाई बाई टू कहते हैं एंड 270 डिग्री ये होता है 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू होता है 90 इंटू 3 हो गया 270, इनमें चेंज होती है। यानी कि 90 डिग्री वाला कॉलम कौन सा है, ये पहला और चौथा, ये 270 वाला, ये 90 डिग्री वाला है, दूसरा 180 वाला, तीसरा 270 वाला, इन दोनों कॉर्नर में चेंज होती है फर्स्ट में और थर्ड में। 270 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो चेंज क्या होती है, साइन का बन जाता है कॉस, अपोजिट नहीं इमीडिएटली जो नज़दीक हो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कोसेक, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। लेकिन ये तो कॉलम में चेंज होती है, लेकिन 180 वाला कॉलम जो सेकंड और फोर्थ, ये 180 और 360, यहाँ पर 360 पूरा होता है, पूरा सर्कल बनता है। सो 180 और 360, 180 होता पाई और 360 होता 2 पाई, इसमें कोई चेंज नहीं होती। इन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, पाई एंड 2 पाई, देयर इज़ नो चेंज, साइन का साइन रहता है और कॉस का कॉस रहता है। और साथ में मैंने आपको बताई थी टी रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, चाहे आपको थीटा को हो या एक्स को, थीटा आप टी रेशियोज है तो एक्स है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 0 डिग्री को 0 लेते हैं और 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, पाई 180 है, 180 बटा 6 होता है 30 डिग्री। इसी तरह पाई बाय 4, पाई 180 है, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45। इसी तरह 60, पाई 180 है, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, पाई बाय 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 180 को तो 60। इसी तरह पाई 180 है, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। तो चलिए, साइन का 0 डिग्री होता है 0, 30 डिग्री होता है 1 बाई 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन 60 की √3/2, जबान ही याद रखनी आपने, साइन 90 की 1। इसी तरह कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 की 1 बाई रूट 2 और कॉस 60 की 1 बाई 2 और कॉस 90 की 0। इसी तरह टैन 0 की 0, टैन 30 डिग्री 1 बाई रूट 3, टैन 45 1, टैन 60 डिग्री √3 और टैन 90 इन्फिनिटी। तो आप इनको उल्टा कर दो, तो टैन की अगर 0 है तो कॉट की 0 डिग्री इन्फिनिटी है, कॉट टैन की 30 डिग्री 1 बाई रूट 3 है तो कॉट का उल्टा √3, टैन का अगर 45 1 है तो कॉट का भी 45 1, टैन का 60 डिग्री √3 है तो कॉट का 60 1 बाई रूट 3, टैन का अगर 90 डिग्री इन्फिनिटी है तो कॉट का 90 0। तो टैन के अपोजिट कर दो कॉट, कॉस की वैल्यूज को उल्टा कर दो तो सेक की वैल्यूज, और साइन की वैल्यूज को उल्टा कर दो तो कोसेक की वैल्यूज। तो ये टेबल भी आपने याद रखना अच्छे तरीके से। तो चलिए, इन्हीं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये जो वैल्यूज हैं इनको याद रखते हुए हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। जिस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, इसी तरह आपको पता है देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक उसने दी है कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, और साथ में बताया है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो एंगल है वो कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह ये 4 क्वाड्रेंट हैं, इसमें उसने एंगल कहाँ बताया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए, ये पाई -1/2 और 2π + θ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, कैसे देखिए, π/2 क्या होता है 90 में से थोड़ा सा कम कर गए, माइनस किया थोड़ा सा कम तो पहले क्वाड्रेंट में ही रहोगे। 2π + θ ये हो गया 1π, ये हो गया 2π + θ, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, π/2 + θ, अगर π/2 90 है प्लस थीटा कर दो थोड़ा सा आगे आ जाओ तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुस जाओगे। और π - θ, पाई होता है 180 में से थोड़ा कम हो तो उसी पाई वाले कॉलम में ही रहोगे। थर्ड में π + θ, अगर पाई यहाँ तक 180 पाई किया प्लस थीटा थोड़ा सा और आगे आगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में घुस जाओगे। इसी तरह 3π/2, 3π होता है 270 -θ, ये तीसरा क्वाड्रेंट है 270 का, इसमें से थोड़ा सा कम हो तो 270 में ही रहेंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π + 3π/2 + θ, 3π/2 होता है 270, ये हो गया 270 प्लस थीटा, थोड़ा सा प्लस कर दिया तो आगे घुस गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। या 2π में से -θ कर दो तो फोर्थ में पाई 1π और ये 2π, लेकिन 2π में से थोड़ा सा कम है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो ये थी इनकी पोजीशंस। अब हमें
एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दी है, उसकी वैल्यू कॉस एक्स की दी है माइनस वन बाई टू। इसको मद्देनजर रखते हुए और आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए हमें पता है कि कॉस साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है और कॉट का उल्टा टैन है। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कोसेक कॉस, टैन का उल्टा कॉट है और कॉट का उल्टा टैन। तो चलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दी है, रेशियो दी है कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, टोटल कितनी है फाइव। तो इसने यही कहा है कि एक दी है, फाइंड द अदर फाइव। तो अदर फाइव को कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले कॉस के बाद हम साइन को ढूंढते हैं, ढूंढने शुरू करते हैं। एक हमें दी है, वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है वन। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होगा वन माइनस, तो कॉस की वैल्यू क्या दी है, कॉस दिया तो फटाफट हम साइन ढूंढेंगे, माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया वन माइनस, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, तो वन माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया अंदर ही, तो वन माइनस वन बाई फोर, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, तो फोर एलसीएम ले लिया, फोर वन ज़ा फोर माइनस वन बटा फोर, तो फोर माइनस वन करो थ्री बाई फोर, साइन स्क्वायर एक्स हो गया थ्री बाई फोर। आगे चलिए, तो साइन स्क्वायर एक्स आपका थ्री बाई फोर है, तो साइन एक्स क्या होगा, दिस शोज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री बाई फोर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या आ गया थ्री बाई फोर। अब तो साइन एक्स होगा स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई फोर।